अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाफिल। इसके लिए मैंने ये काबुली चने ले लिए हुए थे, वाइट वाले जो छोले होते हैं वो कच्चे लिए थे। इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया, पानी में भिगो के रखा था, तो ये इतनी ज़्यादा हो गई। ये 1.5 कप है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएगी उसके लिए हमें चाहिए प्याज, एक मीडियम टू लार्ज साइज़ की प्याज। इसको मैंने मोटा मोटा कट करके चॉपर में डाला हुआ है। 3 टेबलस्पून जितना पासले, 4 से 5 क्लोव ऑफ गार्लिक। इसके अंदर जो मसाला जाएगा उसके लिए हमें चाहिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून ईच लाल मिर्चों का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रोस्टेड धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, और ये है पिंच ऑफ कुकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्ब, और 1 टेबलस्पून जितना मैदा। पहले मैं इनको पीस लूँगी, थोड़ा चॉप हो जाएगा, इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें मिलाऊँगी। ये सारी चीज़ें मेरी चॉप हो गई है, मैं इसके अंदर मसाला डाल दूँगी, मैदा और ये चने। ये चने डालने के बाद मैं इसको अगेन पीस लूँगी। अगर आपको ज़्यादा मैशी मैशी पसंद है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पीसें, और अगर चॉप पसंद है थोड़ा सा तो इसको चॉप की तरह पीसें। मगर इसमें जो होते हैं वो थोड़े थोड़े चॉप टाइप के ही चीज़ें होती हैं, बिल्कुल मैश नहीं होता। सो मैं इसके अंदर थोड़ा सा चॉप टाइप का पीसूँगी। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया। ये बिल्कुल मैश भी नहीं होता और बिल्कुल क्रश भी नहीं होता, ये इस तरह का ही होता है, थोड़ा मोटा मोटा। मैंने इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा कवर करके, ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो सब मिलकर। इसकी डिप के लिए हमें लेना है 2 हरी वाली मिर्चें, मगर ये स्वीट वाली है, माइल्ड वाली जो लंबी वाली आती है वो मैंने ली हुई है 2। इसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया। एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च, इसको मैंने 1/2 हिस्सा उसका लिया हुआ है, इसको भी मैंने कट कर लिया। 2 क्लोव ऑफ गार्लिक, 2 जवे गार्लिक के मैंने लिए हुए थे। नींबू मैंने लिया हुआ है 1 मीडियम साइज़ का। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। मैं पहले इसको चॉप कर लूँगी। ये चॉप होने के बाद मैं इसमें मिलाऊँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप जितना लेमन और नमक। ये डाल के वापस से मैं इसको पीस लूँगी। ये हमारी डिप रेडी हो गई है, मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छे से पीस लिया। इसमें थोड़ी थोड़ी क्रश हमारी सब्जियां हैं, अगर आपको ये ज़्यादा लिक्विडी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और नींबू का फ्लेवर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी थिक चाहिए तो आप इसके अंदर शिमला मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मैंने फलाफिल के बैटर को आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल लिया था, अब मैं इसके फलाफिल बना लूँगी। थोड़ा सा पानी लगाऊँगी हाथ में, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस किए बगैर इसको शेप दे देना है। अगर हम इसको थोड़ा प्रेस करके बनाएंगे तो ये अंदर से हार्ड बनेंगे और ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको शेप देना है इस तरह से। छोटे बड़े आप अपनी साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। फलाफिल हमने बना के डीप फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है इसको। अब इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर इसको डिश आउट करूँगी। ये रेडी हमारे फलाफिल लेमन गार्लिक डिप के साथ। इसको आप तहीनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।